नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव नौगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हनी ट्रैप मामले में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री हर्ष यादव का कहना था कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और ऐसे लोगों को उजागर किया जा रहा है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बड़ागांव नौगांव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब भी उन्होंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिए। देखिएगा, हनी ट्रैप जो मामला है, रुद्रेखंड से जुड़ा हुआ मामला भी है, मालवांचल से जुड़ा हुआ मामला है, और अब तो मध्य प्रदेश से नहीं, कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ मामला हो चुका है। यदि हमारी मंशा कमजोर होती तो हम SIC से जाँच नहीं करवाते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि SIC से जाँच करवाई जाए, और एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को हमने उसमें जो किया गया है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी आयत हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो कि हमें झूठा फंसाया गया है। बढ़िया जांच होगी, और जो हनी और मनी के खेल में शामिल हैं निश्चित रूप से बेनकाब होना चाहिए। समाज के वो चेहरे कहीं ना कहीं सफेदपोश है, वो चेहरा होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए। ये हमारी सरकार की मंशा भी और आम आदमी के जनमानस की भी एक भी यही है। देखिएगा, हमारे सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री कमला जी ने जो अतिवृष्टि हुई है, बाढ़ की स्थिति हुई है, उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है, उसका सर्वे करवाया जाए। उस सर्वे के आधार पर RBC 6-4 में प्रावधान रखा है कि हम 6,000 से लेकर 30,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से फसलों का मुआवजा देंगे। क्योंकि यहाँ तक कि जो बाढ़ और अतिवृष्टि से लोग खत्म हो रहे हैं, परिजन खत्म हो रहे हैं, उनको भी तुरंत राशि 4,00,000 रुपए के मान से दिए जा रहे हैं। यदि हमारे पशु जानवर खत्म हो रहे हैं, उनकी राशि दी जा रही है, मकानों की क्षति होने पर वो भी दी जा रही है, और खासतौर से कई लोग ऐसी आर्थिक अतिवृष्टि की वजह से बाढ़ की स्थिति में घायल होते हैं, उनको भी पैसा दिया जा रहा है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इस भीषण संकट से हमारे लोगों को मारना है, उसके हमारी सरकार काम कर रही है। और एक प्रश्न ये भी उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मध्य प्रदेश में 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, निश्चित रूप से जवाबदेही उन सांसदों की भी है, उन्हें 107 विधायकों की भी जवाबदेही है जो निर्वाचित होकर जनता के आशीर्वाद से यहाँ से जीते हैं, वो भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। आज जिस तरह से 4200 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश का बजट कम किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्रीय दल आया, जो हमने मांग रखी है कि केंद्रीय दल को कि हमारा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सांसदों की जवाबदेही भी है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।